कभी कभी छोटी छोटी लापरवाही भारी पड़ जाती है। ऐसे ही एक लापरवाही के चलते इंदौर में एक महिला की छठी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र के सिंगापुर टाउनशिप की है, जहां प्रमिला विश्वोई अपने घर की छठी मंजिल पर बालकनी में कुर्सी लगाकर कपड़े सुखा रही थी कि अचानक बैलेंस बिगड़ने से महिला छठी मंजिल से नीचे गिर गई। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त पति अपने कमरे में ही थे। वहीं महिला का एक बेटा भी है जो उस समय कहीं बाहर गया था। महिला के पति जितेंद्र विश्नोई ने बताया कि महिला प्लास्टिक के छोटे स्टूल पर खड़े होकर गैलरी में कपड़े सुखा रही थी। नीचे फर्श चिकनी थी, जिसके कारण स्टूल फिसला और महिला गैलरी की तरफ से नीचे गिर गई। पूरे मामले में लसूड़िया पुलिस ने मर्ग कायम कर परिजनों के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कल 3:30 बजे की बात है सर, कल छुट्टी के दिन था, हम घर पे ही थे। मैं दूसरे कक्ष में था, पत्नी भी अपने काम में लगी थी, मैं भी अपने काम में लगा हुआ था। कपड़े सुखाने के चक्कर में वो बालकनी में गई, बालकनी की छोटी बालकनी की छठी मंजिल पे बालकनी छोटी, इसके अलावा उसने चेयर लगा ली। चेयर लगाने से क्या हुआ कि चेयर प्लास्टिक की थी और हल्की थी, लाइट चेयर होती है प्लास्टिक की, वो नीचे वो चिकनी वो टाइल थी सर, तो अनबैलेंस हो गई। चेयर गिरी नहीं लेकिन वो हिल गई चेयर, और उससे वो इधर ना गिरते हुए वो उस तरफ गिर गई जिधर ऊंचाई थी। कितनी मंजिल से गिरी? छठी मंजिल। क्या नाम था उनका? प्रमिला वैष्णव। कितने बच्चे हैं? एक ही है। क्या आप क्या लगते हैं? मैं बताती हूँ सर। आप कुछ बीमारी थी या? नहीं ऐसा कुछ, कुछ माइग्रेन की शिकायत या? नहीं ज़्यादा नहीं, पहले कभी रही होगी। सिंगापुर टाउनशिप में प्रमिला वैष्णव जी का पीएम लेकर आए हैं पीएम के लिए। उसमें उनके परिजनों द्वारा बताया गया कपड़ा सुखाने में छठी मंजिल से अनबैलेंस होने से गिर गई है, तो उसको थाने में कायमी कर पीएम के लिए लेके आए। सर क्या लगता है कोई हादसा? नहीं सर, ज़्यादा जानकारी नहीं है, डॉक्टर साहब के पीएम करने के बाद ही कोई चीज़ का ज़्यादा हो तो खुलासा हो पाएगा। बाकी परिजनों द्वारा बताया गया अनुसार अनबैलेंस होने से गिरना बताया गया। घर में कौन कौन थे जब ये घटना हुई? उनके हस्बैंड बता रहा है कि वो नीचे गए थे और उनको पहले मिली गिरी हुई नीचे।